ईद उल फितर आई, कोरोना से परेशान हाल चेहरों पर खुशियां लाई। पीर महल बड़ों के साथ बच्चे भी अपने वालदैन के साथ शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने लिए ईद के लिए पिंक कलर का सूट लिया, अभी मैं उसके साथ मैचिंग टॉप वगैरह ले रही हूं। वालदैन का कहना था कि हालात चाहे जैसे भी हों, बच्चों को तो ईद की खुशियों में शरीक होना है, लेकिन जहाँ लॉकडाउन की वजह से दूसरी तमाम अशिया महंगी हुई, तो वहीं बच्चों के सूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। जी रश बहुत ज्यादा है, बहुत महंगाई है। अभी आया हम लोग ये चीजें वगैरह खरीदने, किसी चीज को हाथ नहीं लग रहा। हम ये बेबी शॉप पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर रेडीमेड वाली शॉप पर जिस चीज का भाव पूछ रहे हैं उस चीज का रेट ज्यादा है, लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के साथ अपनी अपनी खुशी भी हजार करनी पड़ती है। दूसरी जानब लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों में शॉपिंग करने पहुंची, तो दुकानदार भी खुशी दिखाई दी। दुकानदारों का कहना था कि वह लॉकडाउन में नरमी करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वह 24 घंटे काम करने की इजाजत दे, ताकि बाजारों में जो हजूम बन जाता है उसे कम। दो महीने की कसर है, अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हो रही है। आस्ता आस्ता ठीक है, काम भी ठीक है, और ईद की खुशियां हम सब मिलकर अपना इंशाल्लाह मनाएंगे। बहुत कुछ ये है कि जो कारोबार खुल चुके हैं। दूसरी जानब ताजरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ईद के बाद भी SOPs के तहत कारोबार चलाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मीर हमदा गुज्जर पीर महल।